क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई की हुई जीटी है। लगभग ये लगा लो कि 4-4.5 लाख रुपए की जीटी आती है और उतने का ही इस पर सामान लगा हुआ है। तो आते हैं कि आप सबको जानना होगा कि इस पर पैसे कितने लगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो इसका पेंट जॉब है ना गाइस, खाली पेंट जॉब ही मतलब 25-30 हज़ार रुपये का हुआ है इसका। ये जो रिम है ना, ये सुपर बाइक का है, लाइक ये CBR का है। CBR का इसमें अगला व्हील और पिछला व्हील यूज़ किया हुआ है। पिछला व्हील भी मैं आपको स्विंग इसके अंदर ना जीटी के अंदर आपको पता है तो USD फोक्स नहीं आते, इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। अभी WP के USD फोक्स लगे हुए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो भाई आज का टॉपिक थोड़ा बहुत हटके होने वाला है इस GT के बारे में। हाँ, ये एक GT है और बहुत ही ज़्यादा ईवल लुक दे रही होगी, आई नो। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन होने हो रखी है और कुछ काम इसमें अभी बाकी है जो कंप्लीट होने के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा। बट अभी जितना काम हो चुका है मैं आपको वो गिनवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई की हुई GT है। लगभग ये लगा लो कि 4-4.5 लाख रुपये की GT आती है और उतने का ही इस पर सामान लगा हुआ है। तो ये एक 2020 की GT 650 है जिसको फुल मॉडिफाई किया जा रहा है। अब मॉडिफिकेशन के अंदर इसमें कोड 6 यूनिट डाली जा रही है। जिनको कोड 6 यूनिट नहीं पता, इसका जो ECU होता है, जो दिमाग होता है बाइक का, उसको ट्यून किया जाता है ज़्यादा RPM अचीव करने के लिए, ज़्यादा स्पीड अचीव करने के लिए। अब वो जब ट्यून कर देते हैं हम, तो क्या होता है इसके अंदर दो साइड एग्जॉस्ट आते हैं, जैसा आपको पता है, ठीक है। अभी इसमें एग्जॉस्ट लगेंगे, अभी इसकी बैंड पाइप लगी हुई है, तब इसमें ना पॉप एंड बैंक की आना आवाज़ आने लगती है, तो इसमें से ऐसी आवाज़ आने लगती है। और उसके बाद इसकी ना स्पीड भी बढ़ जाती है, इसकी RPM भी अच्छी हो जाती है, और इसकी फ्यूल इकोनॉमी तो देखो डाउन होती है श्योर, बट मज़े वाली बात है ना भाई, कि मतलब मज़े चाहिए तो कुछ ही ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, वो वाली बात है। अगली बात कर लेते हैं इसका एयर फिल्टर, वो भी BMC का लगेगा, ठीक है। BMC का एयर फिल्टर लगेगा, क्योंकि देखो जब अगर हम इस बाइक को कमांड दे रहे हैं ज़्यादा पेट्रोल जलाने की, तो पेट्रोल को जलाने के लिए ज़्यादा एयर भी चाहिए, तो उस हिसाब से इसका BMC का एयर फिल्टर भी चेंज होगा। अगली बात करते हैं इस पेंट जॉब की। देखो पेंट जॉब में क्या किया गया है, इसका जो इंजन है ना, ये कंपनी से सिल्वर कलर का आता है, जैसे आपने GT टिपिकल GTs में देखा होगा। अभी वाली में नहीं, अभी वाली में कंपनी से ब्लैक आया था, बट इसमें अभी ब्लैक किया हुआ है, जैसे पाउडर कोटेड है ये, और इसको भट्टी में पकाया जाता है, फिर ये ऐसे शाइनिंग ब्लैक हो जाता है। उसके बाद इसका टैंक को है ना मैट ब्लैक रैप किया हुआ है। थोड़ी बारिश वाला मौसम अगर दिल्ली में तो ना गंदी हो जाती बाइक, बट इसमें ना मैट ब्लैक को रैप किया हुआ है, पेंट नहीं है ये, ठीक है। अब ये आगे से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही होगी आपको, उसके ऊपर भी आएंगे एक एक करके, वो भी बताता हूँ। तो गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो स्विंग इसके अंदर ना GT के अंदर आपको पता है तो USD फोक्स नहीं आते, इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। अभी WP के USD फोक्स लगे हुए हैं, बट कौन सी बाइक के लगे वो वाला सवाल है। तो ये हस्कावरना जो आती है आपकी विटपिलियन, उसके फोक्स है, ठीक है। बट ये कह लो कि KTM के ही कह लो, क्योंकि वो हस्कावरना को वही प्रोवाइड करते हैं, तो एक KTM के फोक्स लगे हुए इसके अंदर WP के। और यहाँ पे आप विटपिलियन की है ना ब्रांडिंग देख सकते हो, विटपिलियन ये हस्कावरना के ही हैं, और ये क्लिप ऑन हैंडल बार भी उसी बाइक के हैं, ठीक है गाइस। बट ये चीज़ देखो कि ये जो रिम है ना, ये सुपर बाइक का है, लाइक ये CBR का है। CBR का इसमें अगला व्हील और पिछला व्हील यूज़ किया हुआ है, पिछला व्हील भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ये मडगार्ड है ना गाइस, ये ड्यूक 200 से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो ब्रेक कैलिपर्स है, ये डबल साइडेड है, ठीक है। दोनों साइड इसके ना वर्किंग है, ये दोनों बाइब्रिक इसमें ब्रेक कैलिपर्स हैं, और इसके डिस्क का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो गाइस। और इसका रिम तो मैंने आपको बता दिया, CBR का यूज़ किया हुआ है। पीछे वाले सेक्शन पे आते हैं, जो टेल वाला पार्ट है ना लाइट वाला, वो सारा रिमूव कर दिया गया है। और इसका जो सस्पेंशन है वो स्टॉक ही यूज़ किए हुए हैं, बट जो स्विंगम है ना इसके अंदर, इसको थोड़ा ऑल्टर किया गया ताकि इसके अंदर ना ये CBR का रिम फिट हो सके पीछे वाला। जैसे कि आप देख सकते हो ये CBR का रिम है, GT का स्टॉक ऐसा नहीं आता है, ताकि इसमें एक बड़ा टायर डाला जा सके। ये 160 सेक्शन का टायर है, ठीक है। सीट इसकी स्टॉक ही रहने वाली है। जो इसके फुटपैक वाला है ना वो सेम ही है। एग्जॉस्ट इसके अंदर गाइस SC प्रोजेक्ट का यूज़ होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर वही रिकमेंड सही रहेगा अब, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होगी तो ज़्यादा एयर खींचेगी, तो ज़्यादा एयर फेंकेगी भी, तो वो वाली चीज़ है। तो इसके अंदर हम SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा भाई। और इसके अंदर जो कि है देख सकते हो, इस वाली साइड पे भी हमने ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ। सॉरी गाइस बाइक थोड़ी गंदी हो गई बारिश की वजह से, बट हाँ अभी ये पेंट करा ही करा है, जैसा आप देख सकते हो, कोई स्क्रैच वाला नहीं है उसके ऊपर, थोड़ी मिट्टी जमा हो रखी है, तो वो चीज़ है। तो बाकी गाइस जो आगे वाली हेडलाइट का है, आगे ना गोल वाली हेडलाइट ही लगेंगी, और कोशिश ये करेंगे कि इसमें एवेंजर वाली हेडलाइट लगे 220 वाली, तो वो ज़्यादा अच्छा फील देगा। जिसमें माइनस वाला लाइट लगेगा तो वो छोटा भी लगेगा, और इस पर ना काफ़ी अच्छा लगेगा, हेलकेट जैसा लुक देगा इसको।
बाकी उस पर आते हैं कि आप सबको जानना होगा कि इस पर पैसे कितने लगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो इसका पेंट जॉब है ना गाइस, खाली पेंट जॉब ही मतलब 25-30 हज़ार रुपये का हुआ है इसका, क्योंकि ये गाइस ऑर्डिनरी पेंट नहीं है, इसके ऊपर भट्टी वाला पेंट किया गया है। तो इसको पहले मतलब जब ये पेंट होता है ना तो पाउडर जैसा लगता है, लेकिन गर्म होने का शाइन पकड़ लेता है। और ये वाला टैंक भी, इसको भी पेंट किया हुआ है, तो मैट, इसको मैट फिनिश देने में ना गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, बिकॉज मैट फिनिश देने में काफ़ी टाइम लग जाता है टैंक को, तो वो चीज़ है। तो ये मैट करने में टाइम लगा हुआ है। और आगे की बताऊँ, ये USD4, और ये अभी गाइस सिर्फ USD4 का बताऊँगा, ठीक है। और इसका जो फ्रंट रिम है और टायर्स, उसकी कॉस्ट अलग है, वो अलग से बताऊँगा मैं आपको। तो जो ये USD4 का सेट है ना, ये अगर आप सेकेंड हैंड भी लेने जाओ तो 16 से 17 हज़ार रुपये का अभी भी मार्केट में आपको सेकेंड हैंड मिलेगा, नहीं कि तो भाई 25-30 हज़ार रुपये कॉस्टिंग चली जाती है। अब देखो गाइस, टायर हटा के अगर इसके रिम्स की बात करूँ डिस्प्लेट्स के साथ, तो लगभग दोनों का सेट ये आ जाएगा आपको 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में। और जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, देखो देख सकते हो काफ़ी ग्रूव वाला। तो ये अपोलो के टायर्स हैं, ठीक है। तो ये भी टायर्स भी सेट लगा लो, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का ये सेट है, तो वो चीज़ है। बाकी इसमें, बाकी जो गाइस एयर फिल्टर है वो BMC का यूज़ होगा, तो वो भी 4-4.5 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग रखता है। और इसका जो स्लिप ऑन पाइप आएगा, और जो इसके हेडर्स आए, वो इसके जो हेडर्स भी है वो भी चेंज होने गए, और इसके अंदर एग्जॉस्ट भी लगना, जो कि दोनों साइड लगेगा। तो लगभग ये लगा लो एग्जॉस्ट भी इसका 25 से 30 हज़ार रुपये का लगेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी इसमें सिर्फ स्लिप ऑन पाइप लगी हुई है, तो मैं उसका बता रहा हूँ। जो SC प्रोजेक्ट का स्कैन आता है ना, लाइक वही मतलब लगा लो, अगर ओरिजिनल लेने जाओ ना आप, तो 15 से 20 हज़ार रुपये का एक आता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर सेकेंड हैंड मिलेगा तो लगाएंगे इसके ऊपर, नहीं तो हम नया ही लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है गाइस, वो चीज़ है। बाकी देख सकते हो पूरी ओवरऑल लुक, ये बनने के बाद ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी, और बहुत ज़्यादा गैंगस्टर दिखेगी ये बाइक। वैसे ही देखो देखो इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम है, और इन सब चीज़ों के बाद बहुत और कम हो जाती है। जो भी इंसान ये मॉडिफिकेशन कर रहा है ना अपनी अपनी बाइक पे, तो भाई ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना। जितनी ज़्यादा बाइक मॉडिफाई करते जाओगे ना, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना हमेशा। बाकी गाइस, ये हैंडल लगाने के बाद ये अच्छी तो दिखती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज याद रखना कि GT वैसे ही बहुत एग्रेसिव होती है, और ये हैंडल बार लगाने के बाद ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जैसे कि आप कॉकपिट लुक देख सकते हो इसका, ऐसे तो आपको लगेगा कि मैं स्प्लेंडर पर बैठा हूँ, पर ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। बहुत बल्की लगती है भाई ऐसे ही, उसकी लेंथ भी बढ़ गई है, इसकी ब्रेथ तो बढ़ी गई है। बाकी हाँ, ड्यूक का मड गार्ड छूट गया था, ये मड गार्ड भी लगवा लो अगर। KTM के तो पार्ट सस्ते मिल जाते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, और इंजन विंजन का पार्ट महंगा आता है। ये मड गार्ड आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है, वो चीज़ है। बाकी गाइज, अगर आपको ये बाइक मॉडिफाई करानी है और कैसे करवानी है, तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ। या तो आप करोल बाग करा सकते हो नाई वाला, ठीक है, झंडे वालन मंदिर के पास, वहाँ पे भी ये बाइक मॉडिफाई हो जाएगी आपकी। नहीं तो आप थ्रोटल शॉटल आ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिलजीत पाजी की शॉप है, वो इस बाइक को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप उनसे भी करा सकते हो। और जैसा कि आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ये वाला, तो यहाँ पे आके ये शॉप पे आप करवा सकते हो DJ Anything Customs के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी देखो, इसमें अभी टेल टाइट वगैरह रखना, काफ़ी काम बाकी है गाइस, ठीक है, तो वो सब हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे एक एक करके। बाकी मीटर वाला भी इसमें लगना है। और देखो, सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भाई एक ही चीज़ में लगाने में आई, इसका जो ये है ना, जो ये KTM का ही कह लो, इसको लगाने के लिए, क्योंकि T12 में काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है जैसे आप देख सकते हो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो भाई किसी प्रोफेशनल से कराना, क्योंकि लेथ का काम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेथ जिनको नहीं पता, ये लगा लो कि इसके अंदर कटिंग वगैरह का जो भी काम होता है ना, वो लेथ मशीन पर होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, प्रोफेशनल ही करेगा वो चीज़ है। पीछे का सस्पेंशन स्टॉक ही है जैसे मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। बाकी इसकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है, 4-4.5 लाख रुपए की GT है, और लगभग नहीं नहीं करके इस पर 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान लग चुका है, और लगने भी वाला है, तो वो चीज़ है। बाकी देख ही सकते हो फुल ओवरऑल लुक इस गाड़ी की। बाकी गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी क्वायरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली ऐसी कोई वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।